तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जना। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्तगणों को सत्प्रसंग हुआ था, उसी का चर्चा हो रहा था। उनने बताया वही सब कुछ हुए हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से करा रहे हैं, इसलिए हमें उनको चाहिए होगी। हमारे बिना सृष्टि अधूरा रह जाता है, सृष्टि के कार्य के लिए वे हमें सहयोगिता मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन दिखावटी के लिए तुम खड़ा हो जाओ। देयर इज अवर रोल। इसलिए वो चिन्हित पार्षदों के साथ आते हैं, चिन्हित भक्तों के साथ आते हैं, बारंबार जीवों को अपने ओर ले जाने के लिए। अब इसके साथ साथ उनको जो आपने वो ले जाने का प्रक्रिया है, सृष्टि किया है, सृष्टि में बंधन का बंदोबस्त किया है, बंधन मोक्ष का भी बंदोबस्त किया है। पहले वो हमें सृष्टि में बंधन करते हैं, फिर बंधन मुक्ति के उपाय भी बताते हैं। ये कैसे वो हमें मुक्त करते हैं, इसके बारे में ठाकुर कहते हैं कि तिनी गुरु तिनी इष्टो, वही गुरु रूप से आते हैं, वही इष्ट हैं, परमात्मा एक है, लेकिन विभिन्न भक्तों के बीच अपना एक रूप से प्रकट नहीं होते हैं, एक एक रूप से प्रकट होते हैं, एक एक माध्यम से उनको अपने पास बुलाते हैं। ये समझने का चीज़ है। एवं सब माध्यम सब रूप एक ही परमात्मा से ही हुआ है, बताते हैं ये गुरु है, वो इष्ट है, एक ही है परमात्मा है। तो कभी कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि हमारी इष्ट भिन्न है, हमारा गुरु भिन्न है, एक दूसरे से कोई विरोध है। एक ही सत्य का विभिन्न प्रकाश है। जो उषा लग्न का सूर्य जो दिखाई जाता है, फिर दिन में सूर्य का जो प्रकाश होता है, मध्यान्ह में मध्य गगन में सूर्य का विभाव होता है, एवं अपराह्न में सूर्य का एक रूप है, तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का भिन्न रूप है। एक ही सूर्य का विभिन्न प्रकाश, विभिन्न रूप। तो ऐसे ही ईश्वर जिस रूप से हमारे सामने आते हैं, वही हमारी इष्ट है। आज जिस माध्यम से हमें इष्ट के साथ पहुंचने का बंदोबस्त करते हैं, वही हमारे गुरु है। ये मुख्यतः ही कॉन्सेप्ट है। नाउ जो इष्ट है, उसके बारे में हमें भली भांति एक विचार साफ हो जाना चाहिए। इष्ट किसको कहलाता है? इस धातु से क्तव प्रत्यय इष्ट होता है। इष्ट मतलब जो इच्छा है, हम जैसे भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान उसी रूप से हमारे सामने प्रतीत होते हैं।
जी जथा माम प्रबोध्यन्ते ताम तथीव भजा माम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं यद्यपि एक हूँ जो जिस जो व्यक्ति हमें जिस प्रकार से चाहते हैं मैं उसी प्रकार से उनका पूजा ग्रहण करता हूँ। अगर कोई मुझे दुर्गा रूप से पसंद करते मैं दुर्गा रूप धारण करती हूँ। अगर कोई विष्णु रूप से पूजा करना चाहते विष्णु रूप से एक ही व्यक्ति एक ही सत्ता विभिन्न प्रकाश जे जथा माम प्रबोध्यन्ते। तो क्योंकि ये सब पूजा आखिर में हमारे पास ही आता है। वी वर्शिप द सेम गॉड थ्रू डिफरेंट चैनल्स। तो अभी जो विभिन्न रूप है विभिन्न मूर्ति है देव देवियों का विभिन्न रूप मूर्ति है वो एक एक व्यक्ति के एक एक पसंद अनुसार कोई देवी भक्त है कोई विष्णु भक्त है कोई शिव भक्त है कोई गणपति भक्त है ऐसे नाना प्रकार का जो देव देवियाँ के साथ जिसको अनुगत है वही होगा उनका इष्ट। इष्ट है ईश्वर का एक रूप एक रूप। तो इष्ट क्यों जरूरत होता है क्योंकि ईश्वर का अनेक रूप है। ईश्वर को पास पहुंचने के लिए इष्ट के एक रूप चुनना जरूरी होता है। इसको इष्ट निष्ठा कहलाता है। इष्ट के प्राप्त निष्ठा होने से हम इष्ट को प्राप्त करते हैं। फिर आखिर में देखते वही इष्ट विभिन्न रूप से प्रतिभात है। आपका इष्ट और हमारा इष्ट अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही परमात्मा का विभिन्न स्वरूप है। हमें जो इष्ट है वो हमारे लिए पसंद है। आपका इष्ट आपके लिए पसंद है कोई विरोध नहीं है पहले समझना पड़ेगा। और दोनों ही एक ईश्वर का दो विभिन्न प्रकाश है। तभी वो इष्ट है हमारे आखिर लक्ष्य। जीव को इष्ट के साथ जो दूरी है ये जीवन में धीरे धीरे हम दूरी को कम करते हुए आखिर में इष्ट को प्राप्त करते हैं बराबर के लिए। तो इष्ट को प्राप्त करना वो डायरेक्टली नहीं हो पाता है कारण इष्ट है अलौकिक रूप। उनकी जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो हमसे फर्क है वोल्टेज डिफरेंस है। तो ईश्वर के पास एक छोटी सी जैसे कि इलेक्ट्रिक गैजेट कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ हाई वोल्ट सोर्स हाई वोल्ट सोर्स। उनके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जरूरत होता है तो उसके माध्यम से वो सोर्स हमारे पास कम ही होके आएंगे। ईष्ट ही बंदोबस्त कर देते हैं एक गुरु का एक मनुष्य रूपी उनका प्रतिनिधि। गुरु सब समय जो मनुष्य होगा यह कोई कोई ये नहीं है। अवधूत का 24 गुरु था मनुष्यतर प्राणी भी उनका गुरु था। लेकिन साधारणतः हम लोग जो गुरु रूप में मानते हैं ईश्वर का एक जो मनुष्य रूपी प्रतिनिधि द ह्यूमन एडिशन ऑफ द गॉड ह्यूमन वर्शन। कारण हम जब तक हमारा शरीर मनुष्य रूप है हम मनुष्य रूप को ही साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एक लेवल में। ईष्ट है दूसरा लेवल में है दूसरा स्तर में है। तो जहाँ जहाँ पर है वहाँ से हम छलांग मार के ईश्वर के पास पहुँच नहीं सकते हैं। तो हम ईष्ट के पास पहुँच सके इसलिए ईष्ट गुरु रूप से अवतीर्ण होते ईष्ट एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। मनुष्य के साथ हमारे इंटरेक्ट करने में कोई असुविधा नहीं है सेम लेवल है। लेकिन ईष्ट का जो स्तर है उस स्तर में अचानक नहीं जा पाएंगे। इसलिए गुरु का सहारा हमारी ज़रूरत है बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमारे हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमको लिटरली हाथ पकड़ के धीरे धीरे इष्ट के पास ले जाएंगे। एवं आखिर में इष्ट का प्राप्त होने के बाद वो गुरु के शरीर में लीन हो जाते हैं। फॉर मी ही गेट्स मर्ज्ड
इन इष्ट, तब इष्ट जीव दोनों चीज रहते हैं। पहले इष्ट है, जीव है, गुरु है। गुरु का रोल क्या है? इष्ट के पास पहुंचाने का। जब इष्ट के पास पहुंच गया तो गुरु के यार कोई भूमिका नहीं रहता है। तो गुरु का होता क्या, गुरु इष्ट में लय हो जाता है। गुरु का यूरोन लूज, गुरु का साथ हमारा विच्छेद नहीं होता है। तब हम देखते हैं अरे इष्ट ही तो गुरु रूप से अवितीर्ण, हमारे लिए ये गुरु जो है इष्ट का एक भिन्न रूप था, प्रतिनिधि था। इसलिए कहा जाता है गुरु कभी मनुष्य बुद्धि, यद्यपि गुरु एक मनुष्य है साधारणतः, गुरु के मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए। गुरु इष्ट का एक दूसरा फॉर्म, हमारे जो ग्रहण योग्य जो स्तर है वहाँ पर इष्ट का आनयन करते हैं, तो वहाँ से हम इष्ट का पूजा निवेदन करते हैं। अभी जो गुरु का जो भूमिका है कि इष्ट तो हमारे आखिर में पूजा पूजा हाँ पूजा करते हैं, तो इष्ट के पास पहुँचना हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए हमारे स्तर में जो जो हमें ले जाएंगे उसको चिन्हित कर देते, इष्ट ही चिन्हित करते हैं, इष्ट ही किसी को अलॉट कर देते, देखो तुम ये इसे जाओगे, तो वो इष्ट का एक भिन्न रूप से आते हैं। यद्यपि वो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन जब गुरु रूप से वो शिष्य के पास आएंगे तब उस समय में वो इष्ट का प्रतिनिधि बन के आएंगे। इसलिए गुरु को हमारे जीवन में आध्यात्मिक आध्यात्मिक चेतन रूप से मानना जरूरी है। गुरु में कोई यद्यपि वो मनुष्य है लेकिन मनुष्य रूप से हमारे पास नहीं आया, वो इष्ट का प्रतिनिधि रूप से आए, उसके गुरु कहलाता है। गुरु इज नॉट ए ह्यूमन बींग और एनी अदर बींग। वेन ही कम्स, वेन एनीबडी कम्स टू मी एज गुरु, जिसको हम गुरु समझे हैं स्वीकार किए हैं, वो इष्ट का ही प्रतिरूप है। इष्ट से उसको अभिन्न माना जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो अभिन्न होगा। ही हैज नो अदर एग्जिस्टेंस टू मी अदर देन ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ माई चोजन आइडिया। इष्ट ए चोजन आइडिया, हमारा जो जो लक्ष्य है हम इष्ट के पास हम पहुँच जाएंगे। और वो कहते हैं जब पहुँचते हैं तब क्या देखते, गुरु इष्ट में लॉय हो तो इष्ट में अल्टीमेटली गुरु गेट्स मर्ज्ड टिल वी कम नियर इष्ट। तो अभी जो ठाकुर का जो यहाँ वचन है, ये वही परमात्मा ही इष्ट है, परमात्मा ही गुरु है, दोनों में फर्क नहीं है। तो लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ठाकुर तो बता दिया गुरु इष्ट है, लेकिन जब हम इष्ट को देखते हैं वो अलौकिक जो उनका जो यह चरित्र अलौकिक है, वो प्रेम करुणा दया का मूर्त प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, सब कुछ आइडियल है। जब गुरु को देखते हैं वो तो आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन बींग, ही हैज ह्यूमन फीलिंग्स। तो गुरु को जब मनुष्य बुद्धि से देखते हैं तब इसमें गड़बड़ हो जाता है। भले ही गुरु के मनुष्य शरीर है और शारीरिक धर्मों को मानना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे उनके एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। आध्यात्मिक शक्ति को वो ध्यान देते हुए गुरु के साथ बर्ताव करना चाहिए। वी शुड नेवर थिंक दैट ही इज ए ह्यूमन बींग, और कभी दृष्टि में असच्चता आ जाए संशोधन कर लेना चाहिए, गुरु को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। तो ये ठाकुर का जो उन्नत्र जो वचन है, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? सफलता रहस्य गुरु वाक्य विश्वास। गुरु को कभी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, इष्ट का ही प्रतिनिधि समझकर। इष्ट के साथ तो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होता है, हो नहीं पाएगा अभी, कि हम जिस स्तर में है इष्ट जिस स्तर में है उसमें हम संयुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। टिल वी हैव द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यू नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ और चोजन आइडियल। हमें जब तक वो मैच्योरिटी, वो आध्यात्मिकता जो परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। जब प्रयोजन होगा भगवान सब कुछ बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। जो ये गुरु और इष्ट का जो विभाजन है वो धीरे धीरे घटते जाता है। पहले तो गुरु है एकदम हमारा ध्यान का वस्तु,
इष्ट है वास्तविक वस्तु, इष्ट है ध्यान का वस्तु, गुरु है वास्तविक वस्तु। नाउ गुरु को हम जो फिजिकली देखते हैं उनको, जब जब गुरु के साथ संपर्क होता है, फिजिकली देखते हैं, उनका साथ बातचीत करते हैं, उनका निर्देश हमें प्राप्त होता है सीधा, एवं गुरु निर्देश हम पालन करते हैं। और गुरु निर्देश हम दैनंदिन पालन करते हुए हमारा आखिरी जो मंजिल है वहाँ पर जाके देखेंगे, गुरु धीरे धीरे हमको लेके जब तक इष्ट में नहीं पहुँचेंगे, गुरु हमें छोड़ेंगे नहीं। और इष्ट के साथ और गुरु के साथ हमारा जो रिश्ता है, ये सिर्फ एक जीवन का नहीं है, ये जन्मांतर जन्म जन्मांतर के रिश्ता है। एवं इष्ट है इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इष्ट ये इष्ट अनेक जो उनके जो होगा दे फॉर्म टू वन ग्रुप। जो कृष्ण का जो इष्ट है जिसका, वो कृष्ण का गोष्ठी है, दुर्गा का एक दुर्गा का गोष्ठी है, शिव का एक शिव गोष्ठी है, अलग अलग है, लेकिन आखिर में सभी एक ही परमात्मा का हो जाएगी। जब इष्ट देखेंगे फिर आखिर में देखते हैं श्री राम कृष्ण इस सर्वदेव देवी स्वरूप, एवं वो जगत गुरु है सब गुरु के आधार। वो और दूर की बात है, पहले तो इष्ट और गुरु का संपर्क हमें भली भांति समझ लेना चाहिए, एवं इस विषय में और भी कुछ चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।